हेलो दोस्तों, अगर आप जो है सऊदी अरबिया में किसी कंपनी में जो है काम करने के लिए आए हो और उस कंपनी में दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज़ का दिक्कत होता है, मान लीजिए कंपनी एकामा नहीं बनाता है, टाइम पे सैलरी नहीं देता है, कोई भी चीज़ का अगर आपको प्रॉब्लम उस कंपनी के अंदर हो रहा है, तो दोस्तों उस कंपनी में आप सिर्फ 1 साल जो है सर्विस दीजिए, मतलब 1 साल जो है आप कंटिन्यू काम कीजिए, और 1 साल होने के बाद आपको उस कंपनी के बाद जो है उस कंपनी को आप छोड़ के किसी दूसरे कंपनी में, चाहे किसी दूसरे कपिल के पास जो है अपना जॉब ट्रांसफर करा सकते हो, जो कि नकल का पला करा सकते हो। आपको कोई भी चीज़ का जो है दिक्कत नहीं होगा, आपका कंपनी जो है आपको कुछ नहीं बोल सकता है। बाकी एक चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर आप उस कंपनी में काम कर रहे हो जिस कंपनी में आए हो नए वीजे में और 1 साल नहीं हुआ है और आपका जो है टाइम पे सैलरी मिल रहा है, चाहे आपका जो है एकामा टाइम टाइम से जो है आपका कंपनी बना दे रहा है, और उसके अंदर अगर आप जाते हो कंपनी छोड़ के किसी दूसरे कंपनी में, तो जॉब तो ट्रांसफर होगा। अगर मान लीजिए अगर आपका सैलरी रुका हुआ है और एकामा आपका है, तो आपका जो कंपनी है जितना दिन का एकामा है उतना दिन का पैसा वो कट कर सकता है, और वो केस भी कर सकता है आपके ऊपर कि आप 1 साल कंप्लीट नहीं किए हो और 1 साल से पहले आप जा रहे हो। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान देना है। 1 साल आप उस कंपनी में कंप्लीट कीजिए और 1 साल के बाद जो है कहीं पर भी सऊदी में अपना जॉब ट्रांसफर करा सकते हो, क्योंकि ये जो कानून है HRSD मिनिस्ट्री ने जारी किया है कानून। तो दोस्तों बहुत लोगों के जो है सवाल रहता है कि अगर मान लो मैं किसी कंपनी में रहता हूँ, काम करता हूँ, ये कामा है, और मैं किसी दूसरे कंपनी में जाता हूँ तो मेरा पैसा सैलरी बाकी है पुराना वाला कंपनी में, तो क्या वो कंपनी जो है मेरा पुराना वाला मेरा एकामे का पैसा कट करेगा कि नहीं करेगा? तो भाई जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी है, एकामा बाकी है 3 महीना 4 महीना और आपका सैलरी बाकी है, चाहे आप ऐसे जा रहे हो, तो आपको एकामे का पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि एकामे का ज़्यादा पैसा लगता है। मान लीजिए 1 महीने का एकामा बाकी है तो आपको 1,000 रियाल आपको फाइन देना पड़ेगा, और ये फाइन वाइन दे सकते हो अगर आपका कपिल अच्छा है। नहीं भी देते हो फिर भी जो है बोलेगा जाओ, आप अपना जॉब जो है ट्रांसफर करा सकते हो। तो ये चीज़ जो है दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर आप किसी भी कंपनी में आते हो तो 1 साल कंटिन्यू काम कीजिए, 1 साल के बाद जो है अपना कहीं पर भी जॉब ट्रांसफर कर सकते हो। तो आई होप कि इस वीडियो में जो भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो में तो सवाल मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए। चलिए हम करते हैं वीडियो को समाप्त, फिर मिलेंगे आप लोगों से कुछ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।